बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। ये देखिए, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, सफ़ा नंबर 31 से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पाकिस्तान की अस्करी तारीख से लेकर दुश्मन की पोजीशन भी बेहतर थी, यहाँ तक हम पढ़ाई करेंगे। अब हम बाकायदा अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख अपने फौजियों की शजाअत और बहादुरी की लातादाद और बेमिसाल दास्तानों से भरी पड़ी है। अस्करी फौजी तारीख अपने फौजियों की शजाअत होता है बहादुरी और बहादुरी, ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। लातादाद, जिसकी तादाद ना हो, बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना हो, दास्तानों कहानियों से भरी पड़ी है। शजाअत और बहादुरी की ऐसी ही दास्तानों में एक दास्तान निशाने हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की भी है। निशाने हैदर ये मरकबे अजाफी है, जिसकी गैरत ने अर्ज़े पाक का एक इंच इलाका भी दुश्मन के कब्जे में देखना गवारा ना किया बर्दाश्त ना किया। और जब तक दुश्मन से अपना खोया हुआ इलाका ना छुड़ा लिया वापस ना ले लिया, चैन से ना बैठे, चैन से, सुकून से, पाक फ़ौज के इस मुजाहिद ने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान का बेलोस नजराना पेश करते हुए वतन के दिफा का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। बेलोस नजराना, ऐसा तोहफा जो चीज़ बतौर पेशकश दी जाती है, बेलोस तोहफा पेश करते हुए देते हुए वतन के दिफा वतन की हिफाजत का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में मशरकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। होशियारपुर ये मशरकी पंजाब के इलाके का नाम है, गांव का। 1943 में फ़ौज से वाबस्ता हुए, यानी वाबस्ता हो गए, उनमें शामिल हो गए या उनके साथ फ़ौज के साथ जुड़ गए। वो मज़बूत असाब और पुख्ता इरादों के मालिक इंसान थे, मज़बूत असाब, मज़बूत पुख्ता। असाब, असब की जमा है पट्ठे, और पुख्ता इरादे, पुख्ता पक्के इरादे अज़म के मालिक इंसान थे। 1958 में भारत ने रात के अंधेरे में साबका मशरकी पाकिस्तान के एक गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। पाक फ़ौज ने दुश्मन के कब्ज़े से अपना इलाका आज़ाद करवाने के लिए मेजर तुफैल मोहम्मद का इंतखाब किया, चुना। मेजर तुफैल मोहम्मद इस वक्त 16वीं पंजाब रेजिमेंट की बटालियन के कंपनी कमांडर थे।
7 अगस्त 1958 को मेजर तुफैल मोहम्मद अपने जवानों के साथ लक्ष्मीपुर के महाज पर पहुँचे। महाज वो मैदान जहाँ पर लड़ाई जारी हो। सूरती हाल का जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि दुश्मन की भारी फौज ने एक ऊंचे टीले पर कब्जा कर रखा था। दुश्मन की फौज ने वहां मोर्चे बना रखे थे, मशीन गन और मार्टर गन्ने नस्ब की हुई थी। मेजर तुफैल मोहम्मद ने बांप लिया कि हमारी फौज की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम थी। बांप लिया, जान लिया। इसके अलावा बुलंद टीले पर काबिज होने के बायस दुश्मन की पोजीशन भी बेहतर थी। काबिज कब्जा करने के बाद बायस की वजह से पोजीशन हालत भी बेहतर थी, बेहतर अच्छी थी। प्यारे बच्चों, हमारी पढ़ाई यहाँ तक है। निशान लगाइए, अल्फाज मायने देखिए। अस्करी, फौजी, शिजात, बहादुरी, दास्तान, कहानी, चैन, सुकून, नजराना, तोहफा, जो चीज़ बतौर पेशकश दी जाए, दफा, हिफाजत, असाब, असब की जमा, पट्ठे, महाज, लड़ाई की जगह या मैदान। अब हम सवालात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 से देखिए। सवाल नंबर 1 की जुज है सवाल अलिफ। मेजर तुफैल मोहम्मद कब और कहां पैदा हुए? जवाब है, मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में मशरकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। ये इलाके का नाम है, ठीक है। सवाल बे है, भारतीय फौजियों का मुकाबला करने के लिए मेजर तुफैल मोहम्मद ने कितने जवानों का इंतखाब किया? जवाब है, भारतीय फौजियों का मुकाबला करने के लिए मेजर तुफैल मोहम्मद ने 75 बेहतरीन जवानों का इंतखाब किया। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सफ़ा नंबर 34 से अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, जुमले, बेमिसाल, पाकिस्तानी फौज बेमिसाल बहादुर है, जुर्रतमंद, मेजर तुफैल मोहम्मद जुर्रतमंद सिपाही थे, निगरानी, मेजर तुफैल मोहम्मद अपने दस्ते की निगरानी कर रहे थे, हौसला बढ़ाना, मेजर तुफैल मोहम्मद दौरान जंग अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, जान निसारी, बहादुरी और जान निसारी का अजीम कारनामा सर अंजाम देने पर मेजर तुफैल मोहम्मद को निशाने हैदर दिया गया। प्यारे बच्चों, अब डायरी देखिए, पढ़ाई करें। सवाल नंबर 1 से अलिफ बे जुज, सवाल नंबर 3 याद करें और लिखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।